वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीए बीएससी बीकॉम एमएएमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी नोटिस जारी हुआ है। परीक्षाएं रद्द की गई हैं। क्या है पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की सबसे सटीक अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम टेबल आपका दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा नोटिस भी दी जाती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी बदलाव होता है एग्ज़ाम रिलेटेड तो आपको सीधा इन्फॉर्मेशन वहीं पर दे दिया जाएगा और आप उसको तुरंत पा जाएंगे, ठीक है। और आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह छूटने नहीं पाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जुड़कर ज़रूर रहें। तो पूरी नोटिस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी छात्र पूरा वीडियो देखें, बातों को समझें और इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं किन छात्रों की परीक्षाएं रद्द की गई, संपूर्ण जानकारी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है और इसमें संपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या है पूरी अपडेट, किन किन छात्रों की परीक्षाएँ रद्द कर दी गई और क्यों की गई, सभी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको बता दूँ कि बीए बीएससी बीकॉम का 28 नवंबर से परीक्षा शुरू हो रहा है। आपका सेमेस्टर कोई भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, आपको एग्ज़ाम देने जाना है 28 नवंबर 2023 से। अब क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि सत्र 23-24 की स्नातक प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सप्तम एवं नवम सेमेस्टर परीक्षाओं के फॉर्म वेरिफिकेशन सत्यापित वेरीफाइड करने के उपरांत विश्वविद्यालय के खाते में शुल्क जमा करने की तिथि 21/11/2023 निर्धारित है और उक्त तिथि तक परीक्षा शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कर दें। यदि उक्त तिथि तक शुल्क जमा नहीं की जाती है तो प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा छात्रों के परीक्षा से वंचित होने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो यहाँ पर बात ये समझ सकते हैं आप सभी छात्र कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप सभी छात्र जानते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया था और बताया था कि फॉर्म फिल कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्ज़ाम दे लेंगे। आप उसको अपने कॉलेज में देंगे और कॉलेज को फीस वगैरह देंगे और कॉलेज वाले उसको वेरीफाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास सारी डेटा पहुँचता है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड 2023 जारी किया जाता है। लेकिन जिन छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाइड नहीं है, परीक्षा शुल्क नहीं जमा हुआ, मतलब कॉलेज की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज लेवल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उन्होंने ये चीज़ें नहीं की हैं, अपनी छात्रों का डेटा वेरीफाइड नहीं किया है या फिर उनका फॉर्म शुल्क नहीं जमा किया है, परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया है, तो ऐसे छात्रों की परीक्षाएँ यूनिवर्सिटी नहीं कराएगा, रद्द रहेगी उनकी परीक्षाएं। ऐसे छात्र सीधा परीक्षा से बाहर कर दिए गए हैं और ध्यान ये रखना है कि उनका एडमिट कार्ड 2023 भी नहीं जारी होगा। ये आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। लेकिन हाँ, जिन छात्रों ने समय से अपना फॉर्म फिल कर लिया था और समय से अपने कॉलेज में जमा कर दिया था, तो ऐसे छात्र बेफिक्र रहें, उनकी परीक्षाएं 28 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली हैं। सभी छात्राएं समय से अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपका पूरा टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ लिंक से जुड़ सकते हैं, तो जुड़ना ना भूलें। वहीं पर आपका टाइम टेबल मिलेगा और इम्पॉर्टेंट नोटिस मिलेगा, जिससे कि आप लगातार अपडेटेड रहेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट थी, जिन छात्रों की परीक्षाएँ नहीं होनी हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग अपने कॉलेज से कांटेक्ट अवश्य कर लेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।